स्वागत करती जाइए आज की क्लास होने वाली थोड़ी सी इंटरेस्टिंग आज हम करने वाले अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस जो होंगे थोड़े से हटकर है ना तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे आज की क्लास में हम लोग करने वाले अपने एम सी क्यू क्वेश्चन को आप इसको एक तरीके से सरप्राइज टेस्ट या लाइव टेस्ट ले सकते हैं भाई जल्दी से क्लास को शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स क्लास में लाइव बन सके क्लास में आ सकें ताकि आपको पता चल सके कि इतने सारे स्टूडेंट में आप कौन सी जगह स्टैंड करते हो और कितने क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से होते हैं चलो शुरू कर दे आज ही क्लास को क्वेश्चन नंबर वन की तरह से क्वेश्चन नंबर वन आपके स्क्रीन पर ये रहा पढ़ना है और बताना है क्वेश्चन नंबर वन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर वन दे रखा है आपको और क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर वन थोड़ा स्पीड में लेकर चलेंगे ठीक है तीस पच्चीस क्वेश्चन है तीस मिनट में करने का टारगेट करेंगे ताकि देखते हैं अगर हम कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कर पाते हैं जो कि कर सकते हैं इजीली तो यहां पर एक्यूरेसी कितनी बनी रहेगी क्लियर है चलो क्वेश्चन नंबर वन पढ़ते हैं हाई स्पीड डिवाइस यूज इन सीपीयू फॉर टेम्पररी स्टोरेज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इज कॉल्ड प्रसंस्करण के दौरान अस्थाई भंडारण के लिए सीपीयू में उपयोग किए जाने वाले एक उच्च गति वाले उपकरण को क्या कहा जाता है बताइए सीपीयू के अंदर जो उच्च गति वाला उपकरण होता है उसको क्या कहा जाएगा रजिस्टर बस कंपाइलर ट्रांसलेटर या फिर बस अच्छा बस दो बार दे रखा है चलो कोई बात नहीं इस वाले बस को हटा लो कोई नहीं ऑप्शन यहां पर ले लेंगे चार इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताना है आंसर जल्दी से। की अगर हम बात करती हूं तो क्वेश्चन नंबर वन के लिए ऑप्शन ए रजिस्टर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा देखो बचपन में हम लोगों ने सीपीयू पढ़ा था सीपीयू जिसको हम कंप्यूटर का दिमाग बोला बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जिसको बोला जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जिसको बोला जाता है या हम लिख सकते हैं यहां पर कंप्यूटर का दिमाग जिसको बोला जाता है ठीक है कंप्यूटर का दिमाग तो हम बात कर रहे हैं यहां पर सीपीयू की सीपीयू के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं तो इसके अंदर होती है आर्थमैटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट ये दो चीजें होती हैं अब आप कहोगे मैं मेमोरी यूनिट कहां गई तो वो बाहर होती है सीपीयू के अंदर होते हैं सबसे तेज गति से काम करने वाली मेमोरी जिसको रजिस्टर बोला जाता है सीपीयू के अगर बाहर काम भेजना है तो सीपीयू के और रैम के बीच में कौन सी मेमोरी इस्तेमाल की जाती है तो सीपीयू और रैम के बीच में कैश मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है कैश भी एक मेमोरी है जो कि रैम की, की गति को बढ़ाती है अब कोई चीज रैम पर आपने चल रही है वर्तमान का काम रैम पर ही चलता है फिर उसके बाद अगर आप उसको सेव करना चाहते हो तब आपकी मेमोरी यूनिट आती है क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन सबसे तेज गति की कौन सी मेमोरी होती है सबसे पहला क्वेश्चन सबसे तेज गति की कौन सी मेमोरी होती है तो सबसे तेज गति की कौन सी मेमोरी होती है तो यहां पर नोट करना है रजिस्टर सबसे तेज गति की कौन सी मेमोरी होती है तो यहां पर नोट करना है आपको रजिस्टर सबसे तेज गति की होती है बहुत हाई स्पीड होती है पहले नंबर पे आता है रजिस्टर नोट करना दूसरे नंबर पे आता है कैश मेमोरी तीसरे नंबर पे आता है रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम चौथे नंबर पे आता है रीड ऑनली मेमोरी रोम पांचवे नंबर पे आता है हार्ड डिस्क पांचवे नंबर पे आता है हार्ड डिस्क तो ये पांचों इस क्रम में होते हैं ठीक है क्वेश्चन आता है कि कैश मेमोरी किन दो मेमोरी के बीच में चलती है तो कैश मेमोरी सीपीयू और रैम इन दोनों के बीच में काम करती है कैश मेमोरी का इस्तेमाल रैम की गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है रैम की स्पीड को बढ़ाने के लिए किया जाता है क्लियर आगे चले आगे चले हाँ अगर मैं बस की बात करती हूँ तो जो हमारे पास मदर बोर्ड होती है ना प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मदर बोर्ड मदर बोर्ड में एक कॉम्पोनेंट से दूसरे कॉम्पोनेंट कॉम्पोनेंट तक बिजली की सप्लाई के लिए इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है बस का इस्तेमाल किया जाता है क्लियर है ट्रांसलेटर का काम होता है चीजों को ट्रांसलेट करना कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा लो लेवल लैंग्वेज मशीनी भाषा में बदलता है या कन्वर्ट करता है क्लियर है सारी चीजें क्वेश्चन नंबर वन में ऑप्शन ए रजिस्टर बिल्कुल सही हो जाएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर एस्टेब्लिशिंग कनेक्शन टू अदर डॉक्यूमेंट और लोकेशन विद इन अ वेबसाइट निम्नलिखित में से कौन सा एक वेबसाइट के भीतर अन्य दस्तावेज या स्थानों के लिए कनेक्शन स्थापित करने के लिए उपयोग किया जाता है क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा हाइपरलिंक या एच या एचटीएमएल लिंक क्वेश्चन नंबर सेकंड का यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताना आंसर जल्दी से बिल्कुल अब स्पीड ले रहे हैं फटाफट फड़ से चल रहे हैं कोई ज्यादा और टाइम नहीं क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर मैं बात करती हूं तो यहां पर ध्यान से देखना है आपको भाई एक कोई ऐसा वेबसाइट का लिंक एक ऐसा कोई वेबसाइट का लिंक जिसके अंदर कोई वेब पेज समाया हो जिसको खोलते के साथ ही आप किसी वेब पेज के अंदर पहुंच जाओ उस लिंक को बोला जाता है हाइपर लिंक <laughs> उस लिंक को बोला जाता है हाइपर लिंक हाइपर लिंक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस के उस लिंक को बोला जाता है हाइपर लिंक तो जो यू आर एल होता है ना यू आर एल जिसकी होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर तो जो यू आर एल होता है ना जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर तो यू आर एल क्या होता है एक वेब पेज के एड्रेस को यूआरएल कहा जाता है किसको कहा जाता है एक वेब पेज के एक वेब पेज के एड्रेस को एक वेब पेज के एड्रेस को यू आर एल कहा जाता है और जब आप उस यू आर एल को शेयर करते हो ना तो वो एक लिंक बन जाता है तब वो एक हाइपर लिंक बन जाता है तब वो एक हाइपर लिंक बन जाता है यू आर एल को तीन भागों में बांटा जाता है जैसे एच टी टी पी एस डब्ल्यू 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 डॉट यूट्यूब डॉट कॉम यू ट्यूब डॉट कॉम और उसके बाद यहां पर लिखना है आपको होम पेज या जो भी चीज आप देख रहे हो पहला भाग होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल मतलब नियम व कानून में बंधा हुआ दूसरा भाग होता है जिसको बोलते हैं डोमेन नेम दूसरा भाग डोमेन नेम तीसरा भाग होता है जिसको बोलते हैं पाथ तीसरा भाग पाथ क्लियर है सारी चीजें क्लियर ए टू जेड चलो आगे चलते हैं देखो क्वेरी से एक चीज समझ में आती है क्वेरी से आपका एक एसक्यू एल की फॉर्म पूछ सकता है SQL की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी क्लियर है, है, है? है आगे चले चलो चलते हैं आगे यहां पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका हो चुका है चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्ड वेन अंप्यूटर इज टर्न ऑन वेयर डज इट गेट द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज लोड क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर यहां पर बोला गया है जब कोई कंप्यूटर चालू होता है तो उसे पहला निर्देश कहां से मिलता है वह रैम में जब लोड होता है तो सबसे पहले उसको निर्देश कहां से मिलता है कंप्यूटर को देखो मैं आपको एक चीज बताती हूं पहले ऑप्शन देख लेते हैं रैम होगा रोम होगा हार्ड डिस्क सीडी या इनमें से कोई नहीं है ना अब मैं आपको यहां पर क्वेश्चन को समझाती हुई चलती हूं ठीक है अब देखो भाई जब कंप्यूटर को आप ओपन कर दो ये मेरे पास एक कंप्यूटर है प्यारा सा छुटकू सा मैंने कंप्यूटर को ऑन किया सीपीयू से पावर ऑन किया मैंने कंप्यूटर को क्या कर दिया ऑन कर दिया ऑन करते के साथ ही कंप्यूटर की कौन सी चीज में वो करंट गया कि भैया ऑन कर दो और इसने डायरेक्ट डिस्प्ले पर मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी पर उन चीज को दिखाना शुरू कर दिया वेलकम या विंडो एट या विंडो टेन दिखाता है ना तो जो वर्तमान में चीजें दिखाई दे रही हैं वो रैम पर दिखती हैं कंप्यूटर को ऑन करते के साथ ही जो रैम पर चीजें दिखाई दे रही हैं वो चीजें शुरुआत कहां से होती है उनकी तो वो शुरुआत होती है बूटिंग से पढ़ाया था मैंने शुरुआत होती है बूटिंग से और बूटिंग कौन सी चिप करती है बायोस करती है और बायोस आपकी कौन सी चिप है तो रोम चिप है बायोस आपकी रोम चिप है तो यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बायोस की अगर मैं बात करती हूं तो बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इस चिप का इस्तेमाल किया जाता है बूटिंग के दौरान और यह चिप एक टेस्ट करती है इसकी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्लियर है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर डैश इज डिजाइन टू कॉम्युनिकेट इंस्ट्रक्शन टू अ मशीन पर्टिकुलरली अ कंप्यूटर इट कैन बी यूज टू क्रिएट प्रोग्राम टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अ मशीन और टू एक्सप्रेस एल्गोरिथम क्वेश्चन नंबर फोर क्या दिया हुआ है यहाँ पर इनमें से कौन सी एक मशीन विशेष रूप से एक कंप्यूटर को निर्देश संवाद करने के लिए डिजाइन किया गया है इसका उपयोग किसी मशीन के व्यवहार को नियंत्रित करने या एल्गोरिथम को व्यक्त करने के लिए प्रोग्राम बनाने के लिए किया जाता है पीरोम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माइक्रो कंट्रोलर्स ईपी रोम या इनमें से कोई भी नहीं क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर क्या हो जाएगा यहां पर क्वेश्चन नंबर फोर का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इनमें से कौन सी एक मशीन विशेष रूप से कंप्यूटर का निर्देश है क्या बोला इसने ये कंप्यूटर को देने वाला इंस्ट्रक्शन होता है इसको कंप्यूटर को देने के लिए इंस्ट्रक्शन बनाया जाता है हम मशीन से जो भी काम करवाना चाहते हैं इसके द्वारा करवा सकते हैं अब आप मेरे को एक बात बताओ अगर मुझे मशीन से कोई काम करवाना है, to, work, है कोई भी मशीन विच मतलब कोई भी अगर एनी मशीन किसी भी मशीन से मुझे कोई भी काम करवाना है मैं किसी भी हार्डवेयर से कोई भी काम करवाना चाहती हूं तो मुझे उसके लिए प्रोग्राम लिखना पड़ेगा भाई मैंने प्रोग्राम के अंदर लिखा कि कंट्रोल प्लस पी का मतलब है कि पेज प्रिंट हो जाए तभी तो मेरा पेज प्रिंट होकर आ रहा है मैंने कमांड लिखी ना प्रोग्राम लिखी तो मुझे अगर हार्डवेयर से काम करना है तो मुझे प्रोग्राम लिखना पड़ेगा और प्रोग्राम में किसमें लिखूंगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखूंगी प्रोग्राम में किसमें लिखूंगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखूंगी तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर के लिए ऑप्शन बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करेक्ट हो जाएगा आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव फॉलोविंग कंटेन ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से किस समूह में सभी चित्र में फाइल एक्सटेंशन है इनमें से कौन से समूह के अंदर इनमें से कौन से समूह में केवल चित्र वाली इनमें से कौन से समूह में केवल चित्र वाली केवल चित्र वाली फाइले दे रखी हैं? केवल चित्र वाली फाइल एक्सटेंशन या फाइल दे रखी है बताना है आपको यहां पर आंसर JPG, जी जी आई एफ एम पी जी आई एफ टी सी एफ डब्ल्यू एम एफ टी सी पी जेपी जी बी एम पी जी आई एफ जी और दे रखा है GCM। इनमें से कौन से समूह में केवल चित्र से संबंधित एक्सटेंशन गिवन है तो साफ साफ दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर फाइव में ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा जेपीजी फुल फॉर्म क्या होती है इसकी ज्वाइंट फोटोग्राफी ग्रुप फुल फॉर्म होती है इसकी ज्वाइंट फोटोग्राफी ज्वाइंट फोटोग्राफी ग्रुप ठीक है जी आई एफ की फुल फॉर्म क्या होती है ग्राफिकल ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट ये होती है फुलफॉर्म जी आई एफ की BMP की फुल फॉर्म क्या होती है BMP की फुल फॉर्म होती है बिट मैप इमेज क्या होती है बिट मैप इमेज? इसका इस्तेमाल जाता है जो हम पेंट में कोई फाइलें बनाते हैं JPG का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है जो नॉर्मल कैमरे वगैरह से आप लोग पिक्चर क्लिक करते हो GIF होती है ये हिलती डुलती इमेज मूविंग इमेज आवाज नहीं होती इसमें जी आपकी होती है एक मूविंग इमेज इसके अंदर कोई आवाज नहीं होती बस ये हिलती डुलती इमेज होती है तो ये चारों तीनों सॉरी तीनों आपकी क्या होती है तीनों आपकी चित्र से संबंधित है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर छह पर है ना क्वेश्चन नंबर छह देखेंगे यहां पर वॉट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी अलाउस यू टू वेब वर्बली स्पीक विद समन ओवर द ओवर द इंटरनेट किस प्रकार की तकनीक आपको मौखिक रूप से इंटरनेट पर किसी के साथ बात करने की अनुमति देती है क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर यहां पर क्या हो जाएगा वॉट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी भाई कौन सी प्रकार की टेक्नोलॉजी अलाउ करती है किस चीज के लिए कौन से प्रकार की टेक्नोलॉजी अलाउ करती है आपको कि आप इंटरनेट पर बातचीत कर सकते हैं किसके लिए आप इंटरनेट पर बातचीत कर सकते हैं कौन अलाउ करेगा बताना है ए बी सी डी ई कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए यहां पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आंसर बताना है फटाफट से जल्दी से बिल्कुल ठीक है वी ओ आई पी वी ओ आई पी वी ओ आई पी फुल क्या होती है इसकी इसकी फुल फॉर्म होती है वॉइस ओवर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या हो जाएगी फुल फॉर्म हो जाएगी वी की आप इसी के कारण आप व्हाट्सएप पर जो कॉल कर पाते हो ना वो इसी के कारण कर पाते हो क्यों क्योंकि आप वी ओ आई पी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहे हो हम लोग नॉर्मल भी कॉलिंग इसी के ऊपर कर पाते हैं हम लोग वीडियो कॉल भी इसी के ऊपर कर पाते हैं तो ये सारी चीजें करने के लिए वी ओ आई पी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है क्लियर आगे चलते हैं आगे चलते हैं नेक्स्ट जल्दी जल्दी से बताना है भाई अब अब यहां पर थोड़ा सा स्पीड लेकर चलेंगे ठीक है क्योंकि अब तो अब नॉर्मल क्वेश्चन आ जाएंगे जहां पर समझाने का होगा मैं समझा दूंगी थोड़ा फटाफट बताकर चलना है क्वेश्चन नंबर सेवन क्या दिया हुआ है आपको इन पावर पॉइंट क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेवन पावर पॉइंट में केवल कीबोर्ड के साथ रिबन को नेविगेट करने में ऑल्ट प्लस एंड ये शॉर्टकट की किसके लिए इस्तेमाल होती है ऑल्ट प्लस एन शॉर्टकट की ये किसके लिए इस्तेमाल होती है बताना है आपको यहां पर क्वेश्चन नंबर सेवन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवन में यहां पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा बताइए ऑल्ट प्लस एन का इस्तेमाल इनमें से किसके लिए किया जाता है तो बिल्कुल इंसर्ट टैब खोलें ओपन द इंसर टैब इंसर्ट टैब कोई नया टैब खोलने के लिए ऑल्ट प्लस किसका इस्तेमाल किया जाता है एन का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है बिल्कुल ऑल्ट प्लस एन का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है तो यहां पर याद रखना है आपको बिल्कुल और अगर मैं एक नई टैब की बात करती हूं तो आप इसके में कंट्रोल प्लस एन भी इस्तेमाल कर लेना है ना कोई नया टैब खोलने के लिए कंट्रोल प्लस एन का इस्तेमाल किया जाता है यहां पर लिखना न्यू टैब कोई नया टैब ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एन का इस्तेमाल किया जाता है क्लियर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहां पर ये पावर पॉइंट में करते हैं बट नॉर्मल जनरली बताती हैं तो कंट्रोल प्लस एन क्वेश्चन नंबर आठ क्या दे रखा है आपको तो यहां पर दिया है वट इज इट कॉल्ड वेन यू आर रीरोड फ्रॉम योर रिक्वेस्टेड इंटरनेट साइट टू अनादर अंडर साइज साइट जब आप इंटरनेट साइट से दूसरी आवंशित साइट से अनुरोध करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है क्वेश्चन नंबर एट में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताना है आपको जब मैं इंटरनेट से कोई गैर कानूनी या कोई ऐसी वेबसाइट खोलती हूं जो कि सही नहीं है जो कि खराब है जिसपे वायरस है जो कि बहुत बेकार वेबसाइट है तो अगर मैं इंटरनेट की मदद से कोई ऐसी वेबसाइट खोलती हूँ जो कि बेकार है जिससे मेरा मामला या मेरे कंप्यूटर का मामला खराब हो सकता है तो उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है वो शब्द होता है फार्मिंग फिशिंग नहीं होगा वो शब्द होता है फार्मिंग और ये वाला फार्मिंग होगा किसानों वाला नहीं होगा ये वाला फार्मिंग हम अब न्योता दे रहे हैं कि भाई आ जाओ हम परेशान हो हम बहुत परेशान हो गया हमारा नेट तो हमारा फोन तो बिल्कुल सही है बिल्कुल कोई वायरस ही नहीं है भाई थोड़ा सा वायरस तो चाहिए है ना तो जब ऐसा करते हो आप खुद से खुद से कोई गलती करते हो आप खुद से ऐसी वेबसाइट खोल रहे हो जिसमें पता है कि वो गलत वेबसाइट है उसमें वायरस हो सकते हैं तो वो वेबसाइट खोलना क्या कहलाता है फार्मिंग कहलाता है क्लियर क्या कहलाता है फार्मिंग कहलाता है तो यहाँ पर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा हाईजेकिंग नहीं होगा हाईजेक का मतलब होता है आपको पता ही नहीं चला और आपको गुंडे उठाकर ले गए नहीं मूवी नहीं देखी है वो कौन सी मूवी थी जिसमें वो बंदूक लेता है बंदूक बनाता है वो साबुन की और वो पूरी गल जाती है झाग ही झाग बच जाता है बेचारे में नहीं फिर वो भाग कर जाता है एक ऐसे मकान में छुपता है और देखता है उस मकान में केवल गेट ही होता है बाकी तो मकान खुला ही रहता है तो उसमें होता है ना उसमें क्या होता है वो बस को हाईजैक कर लेते हैं हाईजैक का मतलब होता है गुंडे आए उन्होंने आपको कैद कर लिया अब वो कुछ ना कुछ फिरौती मांगेंगे तब आपको छोड़ेंगे सेम वही चीज फिशिंग का मतलब क्या होता है फिशिंग का मतलब जाल बिछाना इंटरनेट पर ताकि मासूम लोगों को फंसाया जा सके क्टरिंग इससे संबंधित नहीं है ट्रॉजन का मतलब होता है नकली सॉफ्टवेयर ट्रॉजन का मतलब होता है नकली सॉफ्टवेयर क्वेश्चन नंबर नाइन देखेंगे द कोडिंग लैंग्वेज यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट फॉर यूज वन द इंटरनेट इंटरनेट का उपयोग करने के लिए दस्तावेज बनाने के लिए इनमें से कौन सी कोडिंग भाषा का इस्तेमाल किया जाता है क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर क्या हो जाएगा यहां पे भाई इंटरनेट पर कोई पेज बनाओगी तो वो क्या कहलाता है मुझे एक बात बताओ सीधी सी इंटरनेट पर अगर मैं कोई पेज बना रही हूँ कोई भी दस्तावेज बना रही हूँ कोई भी डॉक्यूमेंट बना रही हूँ तो इंटरनेट पर अगर मैं कोई भी पेज बनाऊँगी तो वो मेरा वेब पेज कहलाएगा कहलाएगा या नहीं कहलाएगा पहले ये बता दो भाई इंटरनेट पर मैं कोई भी पेज बनाऊंगी तो वो मेरा वेब पेज कहलाएगा जाहिर सी बात है कहलाएगा जब वो मेरा वेब पेज कहलाएगा तो वेब पेज बनाने के लिए हम कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो html का इस्तेमाल करते हैं html की फुल फॉर्म क्या हो जाती है तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को किसके द्वारा बनाया गया था तो टिम बर्नर्सली के द्वारा बनाया गया था टिम बर्नर्सली के द्वारा बनाया गया था और इसकी जगह में क्या कोई और सी से इसकी जगह में कोई और सी भाषा का का इस्तेमाल इस्तेमाल कर कर सकती, बिल्कुल XML का भी कर सकती XML की हो हो जाती जाती है है। तो यहां पर इतनी चीजें आपको इस क्वेश्चन से पता चलती हैं। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एस टी एम एल इसका बिल्कुल सही आंसर है क्लियर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे टेन क्या दिया हुआ है आपको इसमें द टेक्निक इन विच एन अटैकर कन्वेंस एन ऑथराइज यूजर टू पास क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन टू एन अनऑथराइज पर्सन इज कॉल्ड क्या दिया हुआ है वह तकनीक जिसमें एक हमलावर एक अनधिकृत व्यक्ति को वर्गीकृत जानकारी पारित करने के लिए अधिकृत उपयोगकर्ताओं को मना लेता है उसे क्या कहा जाता है क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर क्या हो जाएगा यहां पर बताना है क्वेश्चन नंबर टेन के लिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा भाई एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें जो हमलावर होता है वो जो अनऑथोराइज यूजर है भाई कौन सा यूजर है अन यूजर है जो अनऑथोराइज होगा भाई अनऑथोराइज गलत गंदे काम करने वाला उस व्यक्ति को वो मना लेता है कि तुम ऐसा काम मत करो तुम सही काम करो उसको बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग भाई अगर आप किसी गंदे पर्सन को सही बना देते हो उससे बोलते हो कि इलीगल काम मत करो गैर कानूनी काम मत करो तो वो सोशल इंजीनियरिंग कहलाती है क्लियर है और कैसे मनाया जाता है अलग अलग प्रोग्रामिंग के कोड देकर उसे बोला जाता है जिस कोडिंग का इस्तेमाल करके तुम गंदे काम कर रहे हो उसकी कोडिंग का इस्तेमाल करके तुम अच्छे काम भी कर सकते हो बैंकिंग के लिए सॉफ्टवेयर बनाओ एयरलाइन के लिए सॉफ्टवेयर बनाओ क्या कहलाती है वो सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं ना इंजीनियर कुछ भी कर सकता है नहीं भाई जिसने इंजीनियरिंग की होती है ग्रेजुएशन के अंदर वो कुछ भी कर सकता है क्लियरली तो इसको भी सोशल इंजीनियरिंग बोला जाता है क्वेश्चन नंबर देखेंगे ग्यारह इन विच जनरेशन डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट इनमें से कौन सी पीढ़ी के अंदर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था इनमें से कौन सी ऑपरेटिंग इनमें से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी प्रोग्रामिंग नामक ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होना शुरू हुआ था तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा याद रखिएगा सी ऑप्शन सी तीसरी पीढ़ी के अंदर ऑप्शन सी तीसरी पीढ़ी के अंदर मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब एक साथ आप एक से ज्यादा प्रोग्राम पर काम कर सकते थे क्वेश्चन नंबर बारह वेब एड्रेस इनमें से किस में लोकेट होता है बताइए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व जनरली वेब एड्रेस इज लोकेटेड बाई आमतौर पर वेब एड्रेस या वेब पता इनमें से किसके द्वारा स्थित होता है क्वेश्चन नंबर बारह का आंसर क्या हो जाएगा यहां पर क्वेश्चन नंबर बारह में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा तो वेब एड्रेस यू आर एल को कहा जाता है देखो दोनों में अंतर है वेब एड्रेस यू आर एल जो बोल रहे हैं एक बार देखना वेब एड्रेस यू आर एल को कहा जाता है यू आर एल एक वेब एड्रेस होता है वेब एड्रेस यू आर एल को कहा जाता है लेकिन वेब एड्रेस वेब एड्रेस रहता कहां है तो वेब एड्रेस की अगर मैं लोकेशन की बात करती हूँ तो वेब एड्रेस को लोकेट करने के लिए उसको स्टोर करने के लिए उसको किसी पेज पर दिखाने के लिए एच टी टी पी का इस्तेमाल किया जाता है क्वेश्चन नंबर 12 में आपका एच टी टीपी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा एच टी की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल एच टी टी पी की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्लियर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है तो जो डब्ल्यू है वर्ल्ड वाइड वेब जितनी भी जितनी भी सूचनाएं इन पर दे रखी हैं वो सारी सूचनाएं आपके आपके मोबाइल तक कंप्यूटर तक दिखाने का काम होता है एच का इस प्रोटोकॉल का क्लियर है आगे चलें क्लियर है हाइपरलिंक में बता चुकी पता है आपको लोकेटर पता है वेब ब्राउजर ब्राउजर क्या होता है तो हमें इंटरनेट से जोड़ने वाला इंटरनेट से हमको इंटरनेट से जोड़ने वाला कौन होता है तो वो वेब ब्राउजर होता है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर तेरह पर क्या दिया हुआ है आपको फॉलोविंग इज मोर देन टीबी इनमें से कौन सी मेमोरी यूनिट टीबी से बड़ी है मैंने आपको एक शॉर्टकट की भी बताई थी इसको लर्न करने की चलो देखते हैं किसका आएगा सही क्वेश्चन नंबर तेरह का आंसर यहां पर क्या हो जाएगा बताना है फटाफट से क्वेश्चन नंबर तेरह के लिए यहां पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तो देखो तेरह की मैं अगर बात करती हूं हमने एक छोटी सी ट्रिक बढ़ी थी वन के बीके 1 के बी के मांगता है पीजी यही पढ़ा था 1 के बी के मांगता है पीजी सबसे छोटी होती है बिट इसमें केवल दो ही डिजिट आती है। बाइनरी डिजिट जीरो और वन उसके बाद आती है निबल निबल में चार बिट को मिलाकर एक निबल को बनाया जाता है बी से बनती है बाइट आठ बिट को मिलाकर एक बाइट बनती है के से बनती है किलोबाइट एम से बनती है मेगाबाइट जी से बनती है गीगाबाइट टी से बनती है टेराबाइट पी से बनती है पेटाबाइट ई से बनती है एग्जावाइट से बनती है जेटा वाई से बनती है योटा तो ये कुछ बाइट होती हैं, क्लियर है अब यहां पर अगर मैं बात करती हूं सारी चीजों की तो देखो ये छोटे से बढ़ते क्रम में लगाई गई हैं, असेंडिंग ऑर्डर में टीबी से मतलब टैराबाइट से बड़ा क्या दिख रहा है पैटाबाइट मतलब पीबी दिख रहा है तो ऑप्शन सी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा क्लियर है चलो वेरी गुड आप में से बहुत सारे बच्चों का आया भी आंसर ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन चलते हैं नंबर देखेंगे 13 हो चुका है अ वेब एड्रेस इज अक नेम एट आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक डैश ऑन द इंटरनेट एक वेब एड्रेस एक विशिष्ट नाम है जो इंटरनेट के विशिष्ट डैश की पहचान होता है तो एक वेब एड्रेस एक यूनिक नाम होता है किसका एक वेब एड्रेस एक यूनिक नाम होता है और इसकी पहचान करने वाला कौन होता है वेब एड्रेस की पहचान करने वाला कौन होता है तो वेब एड्रेस की पहचान हमें वेबसाइट से होती है भाई वेब एड्रेस को जो एक यूनिक नाम दिया जाता है वही तो पूछ रहे हैं वेब एड्रेस को जो यूनिक नाम दिया जाता है वेब एड्रेस को जो नेम देते हैं इसका जो नामकरण किया जाता है उसको वेबसाइट बोलते हैं नहीं मैं बोलूंगी ना एग्जामपुर की वेबसाइट पर जाओ तो एग्जामपुर की वेबसाइट का एक वेब एड्रेस है उस एड्रेस को मैंने एक नाम दे दिया एग्जामपुर की वेबसाइट दे दिया क्लियर तो ये चीजें हो जाएंगी यहाँ पर वेबसाइट बिल्कुल सही आंसर होगा आगे याद रखना सी एस एस की फुलफॉर्म क्या हो जाएगी सी एस एस की फुलफॉर्म होती है कहा स्टाइल शीट कास्केडिंग स्टाइल शीट क्या होती है तो ये फुल फॉर्म होती है अगर मैं बात करती हूँ सी एस एस की यू आर एल आपको पता ही है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्वेश्चन नंबर पंद्रह देखेंगे इफ यू विश टू एक्सटेंड द लेंथ ऑफ नेटवर्क विदाउट हैविंग द सिग्नल डिग्रेड क्वेश्चन दे रखा है आपको पंद्रह यदि आप सिग्नल नीचा होने के बिना नेटवर्क की लंबाई का विस्तार करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसका उपयोग करेंगे बताना है आंसर आप इनमें से किसका उपयोग करेंगे क्वेश्चन नंबर पंद्रह में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा बताइए क्वेश्चन नंबर पंद्रह में यहां पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तो हम इनमें से किसका इस्तेमाल करेंगे बताइए जल्दी से इनमें इन से किसका इस्तेमाल किया जाएगा तो अगर मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर पंद्रह की तो किसका इस्तेमाल किया जाएगा भाई अगर हमें क्या करनी है लंबाई तो बढ़ानी है लेकिन उसका नेटवर्क वैसा का वैसा ही रहे तो हम इस्तेमाल करते हैं रिपीटर का राउटर का गेटवे का मॉडम का या रीसोनेटर का तो यहां पर इस्तेमाल किया जाता है राउटर का राउटर रिपीटर दोनों ही हो सकता है बट हां पहले में हम यहाँ पर राउटर लेकर चलेंगे क्लियर है क्लियर है चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहां पर 16 क्या दिया हुआ है द डैश बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार अलाउज यू टू कैंसिल योर रिसेंट कमांड क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपको क्या यहाँ पर सोलह त्वरित एक्सेस टूल बार पर कौन सा बटन आपको अपने हाल के आदेशों या गतिविधियों को रद्द करने की अनुमति देता है अगर आपको एक्टिविटी कैंसिल करनी है अगर आपको गतिविधि रद्द करनी है तो आप इनमें से कौन से कमांड का इस्तेमाल करोगे नंबर 16 की अगर मैं बात करती हूँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तो कैंसिल करना है रद्द करना है रद्द करने के लिए क्या होगा देखो एक होता है अंडू एक होता है रिडू इसको समझ जाओगे तो आप बहुत सारे ऑपरेशन को बड़े आराम से कर जाओगे है ना अंडू का मतलब होता है छिपा देना भाई जो करा है उसको छुपा दो कैंसिल कर दो भाई अंडू का मतलब होता है जो करा है डू जो करा है उसको अन छुपा दो कैंसिल कर दो उसको तो undo के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस रीडू का मतलब होता है जो करा है उसको उसको दोबारा दोबारा करो करो जो करा है है की 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 होती है, control plus y, बात कर रहे हैं छुपाने की, करने के लिए तो यहां पर ऑप्शन सी अंडू इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आगे चलते क्वेश्चन नंबर सत्रह पर विच ऑफ दिंग इज नॉट नंबर इनमें से कौन सी दुई आधारी इनमें से कौन सी बाइनरी संख्या नहीं है बताइए <ihak> निम्नलिखित में से कौन सी बाइनरी संख्या नहीं है बताना है यहां पे आंसर आपको निम्नलिखित में से कौन सी आपकी बाइनरी संख्या नहीं होगी निम्नलिखित में से कौन सी आपकी बाइनरी संख्या नहीं होगी बताइए वन वन जीरो जीरो वन जीरो टू जीरो वन जीरो टू जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन चार बार जीरो वन या वन जीरो ट्रिपल वन जीरो वन तो अगर मैं बात करती हूं बाइनरी डिजिट की या बिट की है ना बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट बाइनरी डिजिट में केवल दो ही संख्या आती है जीरो और वन बाइनरी डिजिट में केवल दो ही संख्या आती है अब मुझे बताओ दो तो आता ही नहीं है तो यहां पर दो क्यों दे रखा है ऑप्शन बी इसमें सही दे रखा है ना ऑप्शन बी बाइनरी संख्या नहीं है क्वेश्चन नंबर अट्ठारह देखते हैं बीस क्वेश्चन कर लेंगे तो टोटल विच ऑफ दी फॉलोइंग बेस ऑफ एक्साट एसिमल इनमें से कौन सा हेक्साडेसिमल का आधार होता है निम्नलिखित में से कौन सा हेक्साडेसिमल का आधार होगा बताइए निम्नलिखित में से कौन सा हेक्साडेसिमल का आधार होता है तो यहां पर ना चार चीजें होती हैं। एक बाइनरी डिजिट होता है या बाइनरी नंबर हम इसे बोलते हैं एक होता है बाइनरी नंबर दूसरा होता है आपका ऑक्टल तीसरा होता है आपका डेसिमल और चौथा होता है आपका हेग्जा चौथा होता है आपका हेग्जा यही होती हैं चीजें आगे देखते हैं यहां पर अगर मैं बाइनरी नंबर में बात करती हूं केवल दो ही नंबर होते हैं इस वजह से इसका आधार भी दो होता है भाई जितनी संख्याएं होंगी उसका आधार भी इतना ही होगा बस इतना याद रखना ऑक्टल के अंदर टोटल कितनी संख्याएं होती हैं तो ऑक्टल के अंदर अगर मैं बात करती हूं तो कुल मिलाकर आठ संख्याएं होती हैं इसलिए आज का आधार भी आठ होता है डेसिमल के अंदर कुल मिलाकर कितनी संख्याएं होती हैं तो दशमलव डेसिमल के अंदर कुल मिलाकर दस संख्याएं होती है इसलिए इसका आधार भी दस होता है हेक्साडेसिमल के अंदर कुल मिलाकर कितनी संख्याएं होती हैं तो पहले तो ये पूरी लिख देगी ये तो पूरी दस संख्याएं आ गई लेकिन दस ना लिखकर दस की जगह लिखते हैं ए ग्यारह की जगह लिखते हैं बी बारह की जगह लिखते हैं सी तेरह की जगह लिखते हैं डी और भी आएगा भाई यहां पे आ, एक मिनट रुको इसको हटाना पड़ेगा वेट 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 यहां पर अगर मैं बात करती हूं ये हो गया इसके बाद यहां पर लिखो तेरा की जगह डी आ जाएगा तेरह की जगह आ जाएगा डी यहां पर लिखो फोर्टीन की जगह लिखते हैं ई और फिफ्टीन की जगह लिखते हैं एफ कुल मिलाकर ये सोलह संख्याएं हो जाती हैं इसलिए इसका आधार भी होता है सोलह हेक्सा डेसीमल का आधार होता है सोलह डेसिमल का आधार दस ऑक्टल का आधार आठ और बाइनरी का आधार दो हेक्साडेसिमल पूछा इसका आधार होगा सोलह क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्लियर है कर दूं? ले ले बट लिखोगे तो और अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए क्लियर है चले आगे चलो आगे चलते हैं तो आई थिंक क्वेश्चन अभी करा है हमने वे एक वेब पेज, वेब पेज पेज का यूनिक एड्रेस क्या कहलाता है एक वेब पेज को एक नाम दिया जाता है वो वेबसाइट कहलाता है ये तो हमने अभी करा है क्वेश्चन रिपीट हो गया चलो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी व्हाट डू यू कॉल द प्रोग्राम्स दैट यूज टू फाइंड आउट पॉसिबल फॉल्ट एंड देयर कॉजेज आप उन कार्यक्रम को क्या कहते हैं जो संभव दोषों और उनके कारणों का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं भाई वो कौन से प्रोग्राम है जिनका इस्तेमाल हम लोग जो भी परेशानी कंप्यूटर में चल रही है उस कंप्यूटर की परेशानी को ढूंढ कर पता लगाने के लिए करते हैं इनमें से उसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होगा तो याद रखना डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर उनको बोला जाता है डायग्नोस्टिक सेंटर होता है ना भाई लोगों की बीमारियों को जांच पड़ताल करने के लिए डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रकार के प्रोग्राम में गलती है तो डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है आज के लिए ये क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आपका होमवर्क हो जाएगा वॉट इज एडवर्ड एडवर्ड इनमें से किसको कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों के लिए होमवर्क है जिसका कमेंट आप लोगों को कमेंट करके बताना है ऑफलाइन कमेंट करके क्या हो जाएगा तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा जिसका कमेंट आप लोग ऑफलाइन करके बताओगे तो क्वेश्चन नंबर 21 आपका होमवर्क है क्लियर है ठीक है चलो इस क्वेश्चन को ऑफलाइन कमेंट करके बताना कि क्या इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा मैं साइड हो जाती हूँ ताकि आपको दिख जाए तो आज की क्लास में हमने बहुत अलग क्वेश्चन करे हालांकि बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिली तो जब भी पढ़ो कॉपी पेन लेकर पढ़ो ताकि हर एक नई चीज को नोट कर सको चलिए तो आज की क्लास को बस यहीं तक रखेंगे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ लाइव टेस्ट के साथ ठीक है और बहुत ही जल्द आप लोगों की फिर थ्योरी वाली क्लास दोबारा से शुरू हो जाएगी क्लास को करते हैं आप एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए खुश रहिए सेशन अच्छा लगा हो तो बिल्कुल एक बार क्लास को लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जय हिंद जय जै भारत